मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। 8 वर्षीय बच्ची से गुजरात में मजदूर ने किया रेप, हत्या कर नाले में फेंका शव। गुजरात के आनंद में पुलिस ने मंगलवार को एक 24 वर्षीय मजदूर को कथित तौर पर 8 वर्षीय बच्ची का रेप करने और उसकी हत्या कर नाले में फेंकने के लिए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि घटना खंबात तालुका के कनीसा गांव की है, जहां आरोपी ने बच्ची को पटाखे दिलाने का लालच दिया था। सबूत मिटाने के लिए आरोपी ने लड़की की हत्या की। दो पुरुषों से अफेयर को लेकर आपत्ति जताने पर बेटी ने की मां की हत्या, लाश के साथ रही। हैदराबाद में एक 19 वर्षीय युवती ने अपनी मां की हत्या कर दी, क्योंकि मां ने कथित रूप से दो पुरुषों के साथ उसके संबंधों पर आपत्ति जताई थी। गौरतलब है कि युवती 3 दिन तक लाश के साथ रहती रही और फिर उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक युवती ने एक बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी थी। लाश फेंकने के बाद दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। हिरासत में ₹26 लाख लूट के संदिग्ध की मौत, अमेठी पुलिस पर 3rd डिग्री देने का आरोप। अमेठी उत्तर प्रदेश में 26 लाख लूट के मामले में 50 वर्षीय संदिग्ध की पुलिस हिरासत में मौत होने का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल के CMS के अनुसार संदिग्ध की मौत जहर खाने से हुई। हालांकि परिवार ने पुलिस पर 3rd डिग्री देने और जहर खिलाने का आरोप लगाया है और मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। ACP ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाहरी चोट के निशान नहीं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।